आज ऐसा चीज होने वाली है हिस्ट्री में जो आज तक पहले कभी नहीं हुई है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू देवी शर्मा व्लॉग। और मैं हूँ वापस एक नए दिन के साथ। और अभी तक मैं नहीं गई हूँ ऑफिस क्योंकि कल रात को आए थे लेट, ऑफकोर्स वो दमन से लेट हो गए थे आने के लिए, वो आपने देख ही लिया ऑलरेडी। तो कल आए थे लेट, अब आज मेरे को थोड़ा लेट जाना है ऑफिस, बस वो तैयारी में लगी गई हूँ। तो मैंने कहा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर लंच बनाएंगे और फिर निकल जाएंगे। और आज लंच में मैं खा रही हूँ मूसैली। एक्चुअली सिमरन बोलती है मूसली को मूसैली, तो हम मूसैली खा रहे हैं आज। हा हा हा, अरे परफेक्ट, बहुत टेस्टी लगती है। पता नहीं लोगों को पता नहीं अच्छी लगती, पर डाइट वाले खाने में सबसे टेस्टी खाना मूसैली है, मूसली है मतलब, वो भी कलॉक्स के फ्रूट एंड नट वाली। तो अगर आप मूसली खाने का ट्राई कर रहे हो और चाहते हो खरीदना, तो कलॉक्स की वाली फ्रूट एंड नट ही खरीदना। बाय बाय, यहाँ कर दिया मैंने कलॉक्स का एड, मैंने कर दिया कलॉक्स का एड, बाय बाय। आज ही वैसे हमारे यहाँ पे अक्सर ही आता है ये। व्हाट इज दिस? मसाला पूरी। दिस इज मसाला पूरी। दिस इज मसाला पूरी। मसाला पूरी पूरी हमारे यहाँ डेली आता है, कभी सूखा पूरी आता है, कभी मसाला पूरी आता है। ये देखो 7 करोड़। 7 करोड़ गाइस, मेरा डेस्क है ये बाय द वे। हमारा मेरा डेस्क चेंज हो चुका है, काम चल रहा है और साथ में पार्टी हो रही है। उसको दे दिया को नहीं तो कितना आए बोली तो बोला तो मैं प्रांजलि आ जाओ खा ले, सब खा रहे हैं देखो भूखा। मैं आ चुकी हूँ घर, और एक्चुअली घर आते ही पहला काम होता है कि ऑस्कर को सुसु कराना, लेकिन आज पहला काम था कि ऑस्कर को खाना खिलाना। तो खाना ऑस्कर ने खा लिया है। अच्छा क्या हुआ बेटा? ये इसको कुछ चाहिए कर रहा है। और आज मैं ऑफिस भी लेट गई थी तो मैं दो बजे ऑफिस पहुँच गई थी। क्या चाहिए सुना को? क्या चाहिए? टॉय चाहिए, ये वाला टॉय चाहिए नूना को, ये वाला नूना का टॉय चाहिए, ये वाला टॉय चाहिए। पर अभी ऑस्कर को लेके जाना है डॉक्टर के पास, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चेंज तो मैंने कर ही लिया है। दिस इज माई लुक, ये ऑफिस में आज मैं टॉप पहन गई थी, अभी टॉप इसी के साथ अच्छा लग रहा तो मैंने कहा ये पहन लेते हैं। चलते हैं ज़रा डॉक्टर के पास और ऑस्कर को दिखाया जाए, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं। पता नहीं क्यों ना उसका बड़ा ऐसा लेजी हो रखा है। तो भाई ये देखो इसको, लेजी को लेजी लग रहा है, कहीं से लेजी लग रहा है। चलो इसको लेके चलें डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। ओके डॉक्टर के पास नहीं जाओगे आप? आप नहीं जाओगे? मम्मा के साथ जाएंगे, रिक्शा में जाएंगे। कहाँ जा रही हो तुम? नोनी ऑटो में बैठ के कहाँ जा रही हो? रिक्शा में? अच्छा रिक्शा में बैठ के कहाँ जा रही हो? ये कहाँ जा रही है? आज तो मजे आ गए सुना के। कहाँ आ गई ये बेटी? कहाँ आ गई बेटी? जा रही है डॉक्टर के पास, चलो चलो चलो। सो ऑस्कर के डॉक्टर के पास आने के बाद आखिर डॉक्टर ने ऑस्कर का ले लिया है ब्लड, तो कल ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आएगा। क्योंकि अभी ऑस्कर को थोड़ा सा फीवर है, क्योंकि मेरे को ना ऐसे लग ही रहा था आज बहुत ही ऐसे सुबह लेजी था ये। इसने सुबह मतलब ऐसे गर्म, मतलब ये रूम का ना फैन भी नहीं चल रहा था, इस रूम में एसी भी नहीं है, तो इस रूम में विदाउट फैन वो बेड पे आके सुकड़ के बैठा हुआ था। तो मुझे लगा आज तो कुछ गड़बड़ ज़्यादा ही लग रही है, तो शाम को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो आज मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई थी, तो डॉक्टर ने ब्लड ले लिया। अब ब्लड टेस्ट में कल पता चलेगा कि क्या हुआ है, अगर प्लेटलेट्स फिर से डाउन हुए तो इस बार इसका एक बड़ा वाला टेस्ट होने वाला है। आई डोंट नो वो कैसा होगा, पहली बार ही होगा वो। तो बस आई होप कि वो ठीक रहे, क्योंकि ऑस्कर की टेंशन में जाती है सबको ही। तो एनीवेज हाँ, और अभी बस आके मैंने बना लिया है पालक पनीर कल के लिए ऑफिस ले जाने के लिए। टन टन। और
आज मैं स्पेशल कुछ बनाने वाली हूँ जो मैं लेके आई थी अभी जब शॉपिंग करके आए हम लोग, तो विच इज किमची. इट्स अ कोरियन किमची नूडल. आई डोंट नो हाउ इज गोना बी शेन रामयून नूडल. तो आज मैं ये बना के खाने वाले हूँ. लेट्स सी कि कैसा होने वाला है. लोगों ने इतने चैलेंजेस किए हैं, इतने वीडियोस बनाए हैं किमची नूडल्स के लिए, बट मैंने आज तक नहीं बनाया था ना मैंने खाया है, तो मैं अभी बनाऊंगी. देखते हैं कैसा बनेगा और कैसा होने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद किमची कोरियन नूडल. आज ऐसा चीज होने वाली है हिस्ट्री में जो आज तक पहले कभी नहीं हुई है. हमारे घर में भी आ चुकी है किमची नूडल. गाइस इट्स किमची नूडल चैलेंज तो नहीं हो रहा है लोगों की तरह, बट किमची नूडल जरूर बन रही है हिस्ट्री में. पहली बार किमची नूडल है मेरे घर में यार. तो लेट्स ईट एंड लेट्स मेक इट. उसके बाद बताएंगे कैसी है ये मेरी यार बॉयज. वैसे इसके बनाने का रेसिपी के लिए मैं मिनी शॉर्ट भी बना रही हूँ, तो शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा. पापा बन चुकी है मेरी किमची नूडल्स, तो दिखाई जाए. आर यू गाइस एक्साइटेड? मैं फॉक लाना भूल गई हूँ, अब दिखा देती हूँ. ये देखिए दिस इज हाउ किमची लुक्स. प्लस साथ में आई है स्पेशल मैगी. तो अब दोनों मैगी को कंपैरिजन करना है मेरे को कि किमची नूडल इज बेटर और ये वाली नूडल. तो ये वाला नूडल आया है कहीं से, किसी ने घर पे खाना बनाया तो उनके यहाँ से आई है नूडल्स, तो हमने कहा कि भाई खा लिया जाए. दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि दोनों को कंपैरिजन करेंगे भाई, देखी जाए कौन सी बढ़िया लग रही है, कौन सी यम बनी है, कौन सी अच्छी होती है. आई थिंक कि पहले वाले जो हम हमेशा से मैगी नूडल खाते आए हैं वही बेस्ट होगी, बट किमची का बहुत नाम है तो लेट्स सी किमची कैसी है. दिस माय नूडल्स, दिस इज आल्सो माय नूडल्स. लेट्स ईट दिस वन फर्स्ट. नॉट बैड, इट्स एक्चुअली नाइस. ये वो स्पाइसी नूडल नहीं है, बट ये बड़ा अच्छा सा इन्होंने इसमें चाइनीज फ्लेवर डाला है, कोरियन फ्लेवर. आई डोंट नो कोरियन है तो कोरियन नूडल डाला है तो कोरियन फ्लेवर. बहुत ही अच्छा लग रहा है. इट्स समथिंग नाइस, समथिंग स्पेशल. जो बाहर से हम खाते हैं आइडली वैसी लग रही है, बहुत प्यारी है, अच्छी लगी मतलब मुझे. अब हम खाएंगे ये. नो वंडर ये हाथ के टेस्ट के आ गए तो कुछ है ही नहीं मैगी में. तो दोनों में से अगर सेलेक्ट किया जाए, ऑफकोर्स मैं अपनी पुरानी मैगी उसको ही चूज करूँगी. आई लाइक इट, बहुत सही बनी है, यम बनी है. तो मैं पहले किमची ख़त्म करूँगी फिर मैं ये खाऊँगी. अब ये नूडल्स खा ली जाए, ये आज का डिनर है, प्लस थोड़ी सी कॉफ़ी, ये हमारा डिनर है आज. गाइस हिस्ट्री में पहली बार ये तो हो चुका है कि किमची नूडल बन चुकी है, पर हिस्ट्री में ये भी पहली बार हुआ है कि किमची नूडल और नॉर्मल नूडल जो हमारी मैगी वाली नूडल है वो साथ में खाई गई हो. तो पहले वैसे बता दो, वैसे मैं बता चुकी हूँ टेस्ट तो हमारे नॉर्मल नूडल का ही अच्छा था, बट किमची वॉज ऑल्सो फाइन बिकॉज उन्होंने जो वेजिटेबल्स उसमें डाले हैं ना वो बिल्कुल ऐसा चाइनीज और कोरियन फ्लेवर दे रहे थे, बहुत सही था. तो ऑल इन ऑल इट वॉज अ नाइस मैगी, बट रेगुलर के लिए आई कांट प्रेफर दैट. तो रेगुलर मतलब डेली बेसिस पे जब हम मैगी तो कभी भी खा देते हैं, भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, कभी भी खा लो. तो और रेगुलर मतलब हर एक दिन भी खा सकते हैं, पर ये वाली नूडल मैं नहीं खा पाऊंगी. आपका पता नहीं मुझे, एक दिन अब मैं ज़रूर वो स्पाइसी नूडल है ना, वो स्पाइसी कोरियन नूडल, वो भी एक बार मुझे ट्राई करनी है. उसका सोचा था मैंने, चैलेंज करूँगी नानू के साथ, बट मैं सोच रही हूँ कि ये जल्दी चैलेंज कर लिया जाए. तो आपको क्या लगता है कि ये चैलेंज हमें करना चाहिए स्पाइसी नूडल वाला? मुझे पता है क्योंकि नानू स्पाइसी ज़्यादा खाती नहीं है, दो मैं भी नहीं खाती हूँ, दोनों ही स्पाइसी में थोड़े से ऐसे हैं कि हम नहीं करते. बट अगर ऐसा चैलेंज आपको चाहिए और हमें हमारे आप हमें दोनों को साथ हम दोनों को साथ देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए. और आपको क्या करना है उसके लिए, कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट बताने हैं और बस थोड़ा सा प्यार दिखाना है और दे दो यार प्यार बस. और आपको हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहना यार. वैसे मैं अब ज़्यादा ना बोलते हुए मुझे हो रही है थकान, क्योंकि कल रात को मैं लेट ही आई थी, फिर सुबह वैसे लेट गई थी दो, बट अभी मुझे वापस ऐसा थकान जैसी फीलिंग आ रही है. मुझे लग रहा है मुझे लेट जाना चाहिए, बट मैंने नेटफ्लिक्स ऑन कर लिया मेरे दूसरे फ़ोन में और मैं सोच रहा नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो नया आया ही होगा, बहुत टाइम हो गया मैंने टीवी नहीं देखा बिकॉज घर में टीवी नहीं है, तो उसके लिए मुझे नानू घर जाना पड़ेगा टीवी देखने. ओके
ऐसे बचपन में होता था ना कि यार पड़ोस में जाते थे हम लोग टीवी देखने के लिए, लाइट चली गई तो किसी घर में बैटरी है या फिर किसी घर में इन्वर्टर, तो खैर बात की बात है, बैटरीज होते हुआ करते थे बहुत बचपन में जब हम छोटे होते थे। आई डोंट नो आप लोगों ने वो फेज फील किया है कि नहीं, बट मैंने तो किया है। लाइट नहीं होती थी, कई बार लाइट चली गई मूवी देखते देखते या शक्तिमान देखते देखते, तो हम बराबर वाले आंटी के घर में बैटरी है तो उनके यहाँ चले जाते थे देखने के लिए। ऐसा हमारे घर में भी बहुत लोग आते थे न्यूज़ या फिर कोई रात की मूवी, संडे संडे ना अच्छी अच्छी मूवीज आती थी दूरदर्शन पे, तो वो सब देखना, फिर केबल पे कुछ ना कुछ आता रहता था वो सब, केबल में टाके मारना कि अब रहे हमें केबल नहीं है, बट टाका मार के हम केबल ले लेते थे, तो वो भी ऐसा देखा सेट मैक्स वगैरह उस टाइम पे बहुत चलता था, स्टार गोल्ड सेट मैक्स, अब तो टीवी कोई देखता ही नहीं है। तो आजकल यूट्यूब की दुनिया ना, आप हमारे व्लॉग देख रहे हो ना, उतना काफ़ी, आप व्लॉग देखो बस, बाकी सब ठीक है। अब ज़्यादा बकबक और ना करते हुए कुछ पुरानी यादों के साथ करती हूँ ये वाला व्लॉग एंड। आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे है सारे लिंक। एंड गाइस डू प्रे कि ऑस्कर को जो प्लेटलेट्स डाउन होते हैं हर बार वो ना हो, क्योंकि अगर इस बार प्लेटलेट्स डाउन हुए तो डॉक्टर ने बोला है कि उसका एक बड़ा वाला टेस्ट करना पड़ेगा, और वो बड़ा वाला टेस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और वो यहाँ से होता भी नहीं है, और वो अगर हो गया तो मतलब हो गया तो ठीक है, बट वो अगर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, मतलब नेगेटिव आना चाहिए उसमें सब कुछ, तो आगे मैं कुछ नहीं बनना चाहती, कहना चाहती। एनीवेज चलो करते हैं, प्रे कर लेना प्लीज गाइस, गुड नाइट, टू डज गिव यू जूस, आई लव यू, टिंग बाय।